Assalamu alaikum everyone, hope all you fitting great. So today I'm sharing with you another review about this product. So first of all, please do subscribe my channel for more videos. So today video is all about Saeed Ghani Creams review. अच्छा जी, तो सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सईद गनी के मोस्ट हाइप प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहे हैं सईद गनी की ये तीनों क्रीम्स। आप लोगों को सईद गनी के सनब्लॉक और सनस्क्रीन का रिव्यू काफी अच्छा लगा, ऑनेस्ट लगा, आप लोगों ने मुझे काफी अप्रिशिएट किया। आप मुझसे इनकी क्रीम्स के बारे में भी पूछते हो कि अपने स्टाइल में एक डिटेल रिव्यू दे दो इन क्रीम का। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए सईद गनी की ये तीनों क्रीम्स लेकर के बैठी हूँ और साथ ही मैं इसकी डिटेल में आपको इसके यूजेस, बेनिफिट्स, स्किन टाइप, साइड इफेक्ट्स वगैरह बताने वाली हूँ। एक ही वीडियो में सब बता दूंगी, सो प्लीज वीडियो कर तक लास्ट में देखिएगा। तो फर्स्ट मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूं, दिस इज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, दिस इज नॉट अ मैट ब्यूटी क्रीम टाइप। सो विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग, लेट्स जंप टू द टॉपिक। अच्छा जी, तो आज मेरे पास है सईद गनी की ये तीनों क्रीम्स, जिनके नेम है, फर्स्ट है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सेकंड है विटामिन सी क्रीम, थर्ड है हुस्न यूसुफ ब्यूटी क्रीम। फर्स्ट है मेरे सईद गनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ग्लिसरीन, एलोवेरा एंड विटामिन ई, नॉन क्रीसी एंड नरिशिंग फॉर फेस, बॉडी एंड हैंड क्रीम फॉर ग्लोइंग एंड सॉफ्ट एंड हेल्दी स्किन। इसमें आपको 60 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है एंड यू कैन सी कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट भी काफी ज्यादा है, विच इज वेरी गुड। और इसके डिस्क्रिप्शन में इधर मेंशन किया हुआ है कि ये क्रीम एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये आपकी स्किन के हार्मफुल रेडिकल्स से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एंड द अदर साइड इन्होंने डायरेक्शन, यूजेस, बेनिफिट्स, वार्निंग, इंग्रेडिएंट्स वगैरह शेयर किए हुए हैं। सो लेट्स ओपन इट। कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है और ये अंदर से आपको प्लास्टिक के जार में मिलती है और इस ब्रांड की अच्छी चीज यही है कि प्रोडक्ट सील हुआ हुआ होता है, या तो प्लास्टिक से या तो फॉइल से, विच इज वेरी वेरी गुड। इतने अफोर्डेबल जिसमें आपको ये भी क्वालिटी मिल रही है। सो द कंसिस्टेंसी लुक लाइक दिस, आपको निविया मॉइस्चराइजर से थोड़ा सिमिलर लग रही होगी। सो दिस इज अ वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी एंड द टेक्सचर इज सिल्की स्मूथ सा, थोड़ा सा हैवी लगता है मुझे, बट है तो लाइट वेट, जो लगाते ही क्विकली ऑब्जर्व हो जाता है। और इसकी प्राइजेस 300 के अराउंड समथिंग है, बट मैंने इसको सेल प्राइजेस में आई थिंक 200 की प्राइजेस में परचेज कर लिया था। एंड स्मेल सो गुड, बहुत अच्छी है, लाइट सी है, जो की लगने के थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। मैंने इसे यूज किया भी है और करवाया भी है, तो ये नॉर्मल टू ड्राई पर तो बहुत ही बेस्ट है एवरी सीजन। और नॉर्मल टू ऑयली, जिनको पिंपल नहीं होते उनको ये थोड़ी बहुत सुटेबल हो गई है, बट ऑयली, एक्नी प्रोन प्लस सेंसिटिव स्किन टाइप पर ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होती है। थोड़ा ग्रीसी रहता है, थोड़ा चिपचिप सा रहता है, तो जब भी मैंने इसको छोड़ दिया था मुझे नेक्स्ट डे ही पिंपल निकलने शुरू हो गए थे। बाकी हाँ, ये हैंड और बॉडी के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि नेचुरल बेस्ड या नेचर बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो किसी किसी स्किन टाइप पे सुटेबल नहीं हो पाते। अगर आपको इरिटेशन हो तो आप इसे छोड़ दो, कंटिन्यू मत रखो। ऑयली प्लस एक्नी प्रोन पर इस क्रीम का चिपचिप होना एक वजह ये भी हो सकती है कि इसमें शिया बटर है, जो काफी मॉइस्चराइजिंग होता है स्किन के लिए। तो इसमें ग्लिसरीन है, विटामिन ई है, ग्लोइंग योर स्किन, हाइड्रेशन लेवल को इम्प्रूव करती है। और इसमें एलोबाबाडेंसिस एक्सट्रैक्ट, जो कि बोटैनिकल नेम है एलोवेरा का। सो बेसिकली इसमें सारे हाइड्रेटिंग, नरिशिंग, मॉइस्चराइजिंग सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं ड्राइनेस कवर से रिलेटेड। नेक्स्ट है मेरे पास विटामिन सी फेस क्रीम, ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग, मॉइस्चराइज स्किन विद नेचुरल ग्लो, ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स टू रिन्यू, नरिश एंड बूस्ट योर यूथफुल स्किन। इसमें आपको 60 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और इसके रियल प्राइजेस 350 या 400 है, बट मैंने इसको सेल में 300 की प्राइजेस में परचेज कर लिया था। एंड यू कैन सी कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट भी काफी ज्यादा है, विच इज वेरी गुड। एंड द अदर साइड इन्होंने डायरेक्शन, यूजेस, बेनिफिट्स, वार्निंग, इंग्रेडिएंट्स वगैरह शेयर किए हुए हैं। सो लेट्स ओपन इट। कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है और ये अंदर से आपको प्लास्टिक के जार में मिलती है। एंड अगेन, प्रोडक्ट पैक हुआ हुआ था, जिसकी वजह से बाहर का बैक्टीरिया क्रीम्स में ना जा सके, विच इज वेरी गुड। सो दिस इज अ वाटर बेस्ड रनी लिक्विडी कंसिस्टेंसी एंड द टेक्सचर इज सॉफ्ट एंड सिल्की स्मूथ सा, जो कि लगने के बाद मैट फील होने लगता है, बिल्कुल पॉन्ड्स के लाइट मॉइस्चराइजर की तरह। एंड यू कैन सी इसका टेक्सचर सबसे ज्यादा अच्छा और मजे का लगा है मुझे, वाओ, जो कि मुझे लगता है कि मॉइस्चराइजिंग तो है मगर लगने के बाद थोड़ा मैट फील होता है, तो मुझे और ज्यादा लगाना पड़ता है। एंड स्मेल सो गुड, लाइट सी ऑरेंज सी स्मेल है इसकी। इसमें भी मॉइस्चराइजिंग, ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग स्किन से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि विटामिन सी एंड ई, शिया बटर, और इसमें मेन इंग्रेडिएंट सॉर्बिटॉल ऐड किया, जो कि नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, जो कि नॉर्मली स्किन केयर, हेयर केयर और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ये आपकी स्किन से वाटर के कंटेंट को इंक्रीज करेगा और मॉइस्चर को लॉक करेगा फॉर द लॉन्ग पीरियड। ये नॉर्मल टू ड्राई और नॉर्मल टू ऑयली के लिए अच्छी क्रीम है। ये आपकी स्किन से डलनेस, डार्कनेस को रिमूव करके आपकी स्किन को थोड़ा बहुत ब्राइटन अप करेगी एंड पिगमेंटेशन और एजिंग को भी थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता से स्लोली स्लोली कवर करना शुरू करेगी। बट इसे नॉर्मल टू ऑयली वाले तो यूज कर रहे हैं, उन पर थोड़ा बहुत सुटेबल भी जा रहा है, बट इसे ऑयली एक्नी प्रोन प्लस सेंसिटिव स्किन वाले, उनके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि मेरी एक्सट्रीमली ऑयली सीबम वाली स्किन है, तो एक दो दिन इरिटेशन के बाद मुझे छोटे छोटे से बम्प बनने शुरू हो गए थे, तो इसकी वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया था। और यही वजह है कि इसकी पैकेजिंग पर क्लियरली लिखा हुआ है कि मे बी सेंसिटिव स्किन टाइप पर सुटेबल ना हो, क्योंकि समटाइम्स किसी को नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई प्रोडक्ट सुटेबल नहीं हो पाती। एंड द लास्ट वन इज सईद गनी की मोस्ट हाइप क्रीम, जिसका नेम है हुस्न यूसुफ ब्यूटी क्रीम। इट्स गिव यू नेचुरली ब्यूटीफुल सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन।
ये भी आपको 350 की प्राइजेस में मिल जाती है, बट मैंने इसको 300 की सेल प्राइजेस में परचेज किया था और इसमें आपको 60 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है। एंड यू कैन सी कि इसकी भी एक्सपायरी डेट काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड द अदर साइड इसकी भी इंग्रेडिएंट्स, यूजेस, वार्निंग वगैरह मेंशन की हुई है। सो लेट्स ओपन इट एंड द पैकेजिंग लुक लाइक दिस। ये भी आपको दोनों क्रीम्स की तरह प्लास्टिक के जार में मिलती है और ये भी सील हुआ हुआ पैक हुआ हुआ है। मेक श्योर आप भी इसको इसी तरह से रखो ताकि बाहर का बैक्टीरिया क्रीम्स में ना जा सके। सो दिस इज अ वाटर बेस्ड रनी लिक्विडी लोशन टाइप कंसिस्टेंसी, नॉट थिक, बिल्कुल बहने वाले मॉइस्चराइजर्स की तरह, जो कि लगने के बाद सॉफ्ट एंड स्मूथ सा फील देते हैं। एंड द टेक्सचर इज लाइक निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह, जो कि क्विकली ऑब्जर्व नहीं होती, आपने इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। एंड स्मेल सो गुड, अच्छी है, लाइट सी स्मेल है इसकी। और इसमें भी इंग्रेडिएंट्स हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग, ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग स्किन के लिए यूज किए गए हैं, जैसे कि एसेटिल अल्कोहल, GMS, ग्लिसरीन एंड विटामिन B3, जिसे नियासिनामाइड कहते हैं, जो कि अच्छा होता है एजिंग और रिंकल्स के लिए। बट इसमें मिनरल ऑयल ऐड करके, क्योंकि इट्स अ कमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट, ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ब्रेकआउट्स हों और ये एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, तो इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया है और मॉइस्चराइजर से। एंड इसकी भी वार्निंग में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट सुटेबल ना हो तो छोड़ दो, और आप इसको किसी क्रीम्स में या फॉर्मूले में मिक्स करके यूज नहीं कर सकते, ना ही इसमें कोई सीरम कैप्सूल वगैरह डाल के यूज कर सकते हो। और ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स पर तो बहुत ही अच्छे से सुटेबल है, इवन के इसे नॉर्मल टू ऑयली वाले भी यूज कर रहे हैं, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर एक्ने प्रोन प्लस सेंसिटिव स्किन टाइप्स, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है, कमोडोजेनिक प्रोडक्ट है, सो नॉट गुड। और कुछ लोग इसे व्हाइटनिंग क्रीम समझकर बाय कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, नो बाबा ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इट जस्ट योर ब्राइटन अप योर स्किन एंड डलनेस डार्कनेस को रिमूव करके आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाएगी। तो जी ये तीनों क्रीम्स अपनी अपनी कैटेगरीज में बहुत अच्छी हैं, इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में, विद नो हार्मफुल केमिकल्स एंड इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है, तो वर्क स्लो करेगी बट रेगुलर यूज करने में कोई इश्यू नहीं होगा। इसे चिल्ड्रन, टीनेजर्स, मैन एज वेल एज वुमेन और मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हो और आफ्टर वैक्सिंग भी यूज कर सकते हो, मॉइस्चराइजिंग क्रीम ब्लू वाली। और ये तीनों नॉर्मल टू ड्राई पर बहुत ही अच्छे से सुटेबल है और नॉर्मल टू ऑयली पर सुटेबल है, जिनको पिंपल का बिल्कुल भी इशू नहीं है, रेडनेस का बिल्कुल भी इशू नहीं है। बट अगर किसी को एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन टाइप्स पर ये सुटेबल नहीं है, तो आप इनके जेल मॉइस्चराइजर यूज कर लो। मेरी स्किन पर तो ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हुए और मेरी स्किन जो है वो ऑयली प्लस एक्ने प्रोन प्लस सेंसिटिव स्किन टाइप है, तो इनकी ट्यूब फॉर्म में एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल जो है वो बहुत जबरदस्त है और बहुत ही अच्छे से सुटेबल हो गई है, अल्कोहल फ्री है, रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप वो यूज कर लो एज अ मॉइस्चराइजर। और आप सही कहने के प्रोडक्ट सेल प्लस डिस्काउंट प्लस फ्री शिपिंग में दराज से परचेज कर सकते हो। दराज पर फ्लैगशिप स्टोर है सईद गनी का और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग डिस्काउंट प्राइसेस में परचेज कर सकते हो। और मेरी शॉर्ट फीड्स में तीनों प्रोडक्ट्स की पीएच टेस्टिंग वीडियो रिव्यू इन 1 मिनट मैंने शेयर किया हुआ है, प्लीज डू चेक इट आउट। सो होप यू लाइक ऑल द डिटेल्स और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस क्रीम के आपकी स्किन पर किस तरह के रिजल्ट है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर अपकमिंग वीडियो अपडेट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। माय यूट्यूब फैमिली लव यू, बाय बाय, टेक केयर।